राजस्थान प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से विविधताओं से भरा है। यहाँ के ऐतिहासिक किले प्रदेश के गौरवशाली इतिहास के साक्षी हैं, तो यहाँ के जनजीवन में बिखरी बहुरंगी कला और संस्कृति ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। इसी के साथ प्रदेश के समृद्ध हस्तशिल्प भी देशी विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इस हस्तशिल्प को संवारने और बचाने के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभा रहा है रूडा। रूडा अर्थात ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। राजस्थान का एक लोकप्रिय हस्तशिल्प है टेराकोटा माटी कला। सीमावर्ती जैसलमेर जिले के पोकरण कस्बे में चिकनी मिट्टी से बने इस शिल्प के सामान को दूर से ही पहचाना जा सकता है। पोकरण के कारीगरों ने मिट्टी का काम करते हुए पानी के बर्तन और खाद्य भंडारण जैसी दैनिक जरूरतों की चीजों के साथ साथ अपनी रचनात्मकता का परिचय देते हुए सजावटी सामान भी बनाना जब शुरू किया, तब से यहाँ के टेराकोटा की लोकप्रियता को चार चांद लग गए। रूडा ने टेराकोटा में लोकप्रियता की संभावनाओं को समझा और उसे प्रश्रय देने और विकसित करने का काम शुरू किया। रूडा के प्रयासों से 250 परिवारों को इस योजना से जोड़ा गया और उनके 10 स्वयं सहायता समूह बनाए गए। रूडा ने न केवल शिल्पियों को तकनीकी सुविधाएं मुहैया करवाई बल्कि उनके उत्पादों में निखार के लिए कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर नए डिजाइनों का विकास भी करवाया। साथ साथ इन्हें उत्पादों के साथ विभिन्न मेलों और प्रदर्शनियों में भी ले जाया गया, जिससे उनमें अपने तैयार माल की बिक्री, गुणवत्ता और बाजार की मांग की बेहतर समझ पैदा हो सके। इसके अलावा क्रेता विक्रेता सम्मेलन तथा निर्यातकों के साथ बैठकें आयोजित कर इन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ा है। रूडा ने नए विकसित शिल्प का नया नाम भी दिया पोकरन पॉटरी। समय समय पर जो रूडा से हमें ट्रेनिंग मिलती है उससे हमारे को फायदा हुआ है और हम उससे मिट्टी से अलग खिलौने बनाने सीखे हैं कटिंग के। और समय समय पर ट्रेनिंग मिलती है ना, तो हमें बाजार में अच्छी कीमत भी मिलने लगी है। हम बाहर उसको बेचते हैं तो अच्छी कीमत मिलती है। पोकरन में चिकनी मिट्टी से बनने वाले टेराकोटा अथवा पोकरन पॉटरी का काम यहाँ के कुम्हार समुदाय द्वारा परंपरागत ढंग से बखूबी किया जाता है। यहाँ शिल्पकारों के करीब 250 परिवार कुम्हारों की पोल मोहल्ले में रहते हैं। करीब 2 किलोमीटर में फैले इस मोहल्ले के हर घर आंगन में विभिन्न प्रकार के मिट्टी के शिल्प दिखाई देते हैं। पोकरन पॉटरी के निर्माण में काम आने वाली विशेष चिकनी मिट्टी है। मिट्टी को पहले तब तक छाना और गूंथा जाता है जब तक कि वो नर्म होकर आकृति देने लायक न बन जाए। फिर उसे चाक पर रखकर सधे हुए हाथों से आकृति दी जाती है। आकृतियों को छाया में सुखाकर फिर उस पर शिल्पकारी की जाती है और जरूरी आकार देने के बाद भट्टी में तपाकर तैयार किया जाता है। पानी रखने के छोटे पात्र और दिए पोकरन की विशेषता रहे हैं, लेकिन रूडा के प्रयासों से अब पोकरन पॉटरी की पूरी श्रृंखला का उत्पादन होने लगा है। इनमें जानवरों की आकृतियां, लैम्प, फूलों के गमले, खुले मुंह के बर्तन, टाइल्स, एश्ट्रे, दीवार पर टांगने वाले सज्जा के सामान और मूर्तियां शामिल हैं। पोकरन के कुम्हार अब अपनी साझी संस्था कुम्हार हस्तकला विकास समिति के रूप में न केवल विभिन्न मेलों में अपने उत्पाद को बेचने के लिए हिस्सा लेते हैं, बल्कि वहां से मिलने वाले बड़े बड़े ऑर्डर्स को आपस में मिलकर पूरा भी करते हैं। इसके लिए उन्होंने बाकायदा
अपना कार्यालय और कॉमन फैसिलिटी सेंटर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सहयोग से बनवाया है। समिति के 10 सहायता समूह CFC से सीधे जुड़े हैं। इस कॉमन फैसिलिटी सेंटर पर गैस आधारित भट्टी, विद्युत चालित चाक, वॉल मिल, मिट्टी पीसने की मशीनें तथा ग्लेज्ड तैयार करने की आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। इन मशीनों से उत्पादन बढ़ने के साथ ही गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। इससे पहले यहाँ के कुम्हार मिट्टी गूंथने और पीसने का काम परिवार के साथ मिलकर हाथों से किया करते थे। रूडा के प्रयासों से पोकरण की परंपरागत टेराकोटा पॉटरी अब पोकरण पॉटरी के रूप में देश विदेश में अपनी विशेष पहचान बना चुकी है और इसकी बढ़ती हुई मांग के कारण पोकरण के कुम्हार हस्तशिल्पियों के आर्थिक और सामाजिक स्तर में भी सुधार आया है। पोकरण पॉटरी की लोकप्रियता सतत प्रयासों की सफलता का एक उदाहरण है जिस पर हर राजस्थान वासी को गर्व है। इसके विकास की असीम संभावनाएं हैं, जिसे पूरा करने के लिए रूडा सतत प्रयत्नशील है।